हेलो बच्चों, आपका हिंदी ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हमने ईश्वर वंदना नाम का पाठ पढ़ चुके हैं, आज हम फिर से इसे दोहराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसका रिवीजन। ये जो कविता है इसका नाम क्या है? ईश्वर वंदना। जो पहला पैराग्राफ है उसमें क्या है? ईश्वर इतनी शक्ति देना, मन में इतनी भक्ति देना, ईश्वर इतनी शक्ति देना, मन में इतनी भक्ति देना, बड़े होकर बने महान, ऊंचा करे देश का नाम। तो बच्चे भगवान से शक्ति मांग रहे हैं, गिव मी पावर, गिव मी डिवोशन, व्हेन आई विल ग्रो अप आई विल बिकम ग्रेट एंड आई विल रेज द नेम ऑफ माय कंट्री। नेक्स्ट पैराग्राफ, करे दीन दुखियों की सेवा, सेवा भूखों को दे अपना कलेवा, बांटे सारे जग को ज्ञान, ऊंचा करे देश का नाम। तो बच्चे कहते हैं कि वो दीन दुखियों की सेवा करने वाले और भूखों को अपना भोजन देने वाले बने और सारे जग को ज्ञान बांटे, मीन्स नॉलेज, ज्ञान मीन्स नॉलेज बांटे, ऊंचा करे देश का नाम। अब शब्दार्थ है, शब्दार्थ जो है ये क्या है? पहला जो शब्द है ईश्वर, ईश्वर का मतलब होता है गॉड, ऊंचा टॉल, दीन पुअर। नेक्स्ट जग वर्ल्ड, भक्ति डिवोशन, देश कंट्री। ओके, नेक्स्ट कलेवा मीन्स फूड, उच्च ग्रेट, भूख हंगर। अब क्वेश्चन आंसर है, अब क्या है क्वेश्चन आंसर? निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दो। बच्चे भगवान से क्या मांगते हैं, ये प्रश्न है। बच्चे भगवान से क्या मांगते हैं? बच्चे भगवान से शक्ति मांगते हैं। क्या मांगते हैं? शक्ति मांगते हैं। बच्चे किसकी सेवा करना चाहते हैं? जो सेकंड क्वेश्चन क्या है, बच्चे किसकी सेवा करना चाहते हैं? बच्चे दीन दुखियों की सेवा करना चाहते हैं। बच्चे दीन दुखियों की सेवा करना चाहते हैं। बच्चे किसका नाम ऊँचा करना चाहते हैं? बच्चे अपने देश का नाम ऊँचा करना चाहते हैं। बच्चे अपने देश का नाम ऊँचा करना चाहते हैं। नेक्स्ट, दिए गए शब्दों से वाक्य बनाओ। महान, हमारा देश महान है, ठीक है। कलेवा, भूखों को कलेवा देना चाहिए। ऊंचा, हमें अपने देश का नाम ऊंचा करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट मेन है ये, फिल इन द ब्लैंक्स मीन्स सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरो। जो शब्द दिए गए हैं, ज्ञान, ईश्वर, महान, और एक और वर्ड है ज्ञान, यहाँ पर लिखा नहीं गया है, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ ज्ञान, ठीक है, मैं इसे अच्छे से लिख रही हूँ, ज्ञान, ये वर्ड लिखा नहीं है, ज्ञान, ठीक है। इसके पहला क्या है? ईश्वर इतनी शक्ति देना, पहला जो खाली स्थान उसमें क्या आएगा? ईश्वर, बड़े होकर बने महान, ऊंचा करे देश का नाम, देश ही यहाँ पर आएगा। और जो लास्ट वाला है, बांटे सारे जग को ज्ञान, क्या होगा? ज्ञान। तो बच्चों ये है हमारा ईश्वर वंदना, और इसके हमने पूरी रिवाइज कर ली है, और इसका मंडे को टेस्ट होगा। तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और तैयारी कीजिएगा। अगर आपने क्वेश्चन आंसर नोटबुक में नहीं लिखा है, क्वेश्चन आंसर शब्दार्थ मैं क्या क्या दी हूँ, शब्दार्थ दी, पहले मैंने कठिन शब्द दिया है, उसके बाद शब्दार्थ, क्वेश्चन आंसर, फिर दिए गए शब्दों से वाक्य बनाओ, और लास्ट में ये सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरो, ये सब आपको नोटबुक में लिखना है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।